हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है। बीजेपी के नेता सरोज पांडे के बयान के बाद से यहां राजनीतिक उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। दरअसल सरोज पांडे ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का जीवन कम है, सरकार कितने दिन चलेगी नहीं कह सकते हैं। और इसी को लेकर अब पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सरोज पांडे का बयान सरकार बदलने से जुड़ा नहीं था, बल्कि विधायकों में सरकार को लेकर जो असंतोष है उसे लेकर था। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने एक बयान दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार को अपने लोगों का ही भरोसा प्राप्त नहीं है और इस सरकार का जीवन कितने दिन का है फिलहाल कहा नहीं जा सकता, कब तक चलेगी ये भी तय नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं। डॉक्टर साहब, सरोज पांडे कह रही हैं कि सरकार के जीवन पर ही वो सवाल उठा रही हैं, कब तक का जीवन है, इतना बड़ा बहुमत है, 5 साल तो चलेगी कि कुछ यहाँ भी मध्य प्रदेश की तरह होने वाला है? नहीं, ये संभावनाओं पे बातचीत नहीं। उनका जो उद्देश्य है या उन्होंने जो भावनाएं प्रकट की है वो इस सरकार में व्यापक रूप से उपज रहे असंतोष का क्या परिणाम हो सकता है उसको इंगित किया है। कोई सरकार बदलने की बात विषय नहीं है, सवाल इस विषय का है कि सरकार और सरकार जिस तरीके से अभी काम चल रहा है, व्यापक रूप से सरकार के में विधायकों के बीच अन्य संगठन में असंतोष दिख रहा है। तो डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि सरकार गिराने के मसले की चर्चा नहीं है, ये तो असंतोष की बात सरोज पांडे ने कही है। लेकिन जिस तरह से सरोज पांडे का बयान आया था उसके बाद कांग्रेस भी उसका जवाब दे रही है, पलटवार कर रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।